हाय एवरीवन, और कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे से होंगे, हेल्दी से होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं उत्तराखंड में अपने गांव में, तो मैं वहीं का सारा आपको जो भी मूवमेंट से वीडियो क्लिप से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। वो जो उस दिन मैं गन लेके आई थी ना, आज मैं उसको वापस करके आई हूँ, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस दिन दिखा दिया था। और ये शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहे होंगे, 5:30, 5:30। और आज और शाम को एक तरह से इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं हम लोग, और नीचे रोड पे, और बहुत मौसम अच्छा हो रखा है, वेदर ठंडा ठंडा सा हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। फिर भी पहाड़ों में सुबह शाम का मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमारा ना कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया है, अब हम एक दो दिन में वापस जा रहे हैं, और यहाँ का पैकअप सारा पैकअप करके दिल्ली। यहाँ की मैंने सुंदर सुंदर वीडियो क्लिप आपको दिखाई है, आपके साथ शेयर किए। अब वो हमारे घर की वही चढ़ाई शुरू हो गई, हमने रोड पीछे ही रोड है, यहाँ से ऊपर हम चढ़ाई में जा रहे हैं। और पहाड़ों में ना हमने बहुत इंजॉय किया, और काम भी बहुत किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रिकंस्ट्रक्शन, और हार्ड वर्क भी बहुत किया। अब वापस दिल्ली को जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आएंगे। आपको ना घना जंगल दिखाती हूँ, बहुत ही घना जंगल, देखो ये बहुत ही घना जंगल था, जंगल था नहीं है, बहुत ज़्यादा घना। इस टाइम शाम भी होने को है। पहले ना ये रोड नहीं थी, ये यहाँ से रास्ता है, वो यहाँ से ऊपर जाते थे, और ये इतना डेंस इलाका है, बहुत ही गहरा है ना, धूप नीचे तक नहीं जाती, बहुत ही गहरा है, अंधेरा सा ही रहता है इधर नीचे को। ये नीचे देखिए, ये बहुत घना सा है अंदर को, जहाँ धूप ज़्यादा नहीं जाती वहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल, वो इनके पत्ते काले काले हो जाते हैं, तो काले काले हुए पड़े सारे पत्ते। ये एक बहुत ही पुराना आम का पेड़ है, पहले बहुत आम लगते थे, अब तो आजकल नहीं लग रहे, बहुत पुराना भी हो गया ये पेड़। और फिर अंधेरा होने को शाम हो गई बिल्कुल, पहाड़ों में जल्दी से अंधेरा हो जाता है, और दिन मॉर्निंग जल्दी हो जाती है, सुबह इतना अंधेरा सा हो रहा है ये, क्योंकि जंगली जानवरों का भय होता है इधर पहाड़ों पे। और छोटी छोटी वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ नेटवर्क बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वाईफाई वगैरह नहीं लगा होता है यहाँ, कोई फ़ोन में जो डाटा होता है उसी का ही, उसी से हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम लोग ना बहुत दिनों से ये छोटे मोटे काम जब मकान वगैरह बनाते हैं, तो जनवरी में बन के तैयार हो गया था, लेकिन बार बार ना पहाड़ों में मकान मेंटेनेंस मांगता है, तो छोटे छोटे बहुत सारे जब से आए हैं, बहुत सारे छोटे काम निपटाए हैं, तो फिर आज सारे काम हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा इवनिंग पे भी निकले हैं वॉक पे। और जब से हम दिल्ली से घर आए ना गांव में उत्तराखंड में, तब से हम यहीं की सब्जियां खा रहे हैं, कभी सीताफल, कभी घिया, और कभी बड़ा सा गांव में बहुत बड़ा सा खीरा होता है, वो तो आजकल लग नहीं रहा यहाँ क्योंकि बारिश कम हुई थी, एक ही दिन हुई थी, बहुत प्रलयकारी बारिश, वो बारिश सारा तोड़ फोड़ के ले गई यहाँ के रास्ते। और ककड़ी जो खीरा होता है बहुत बड़ा, डेढ़ डेढ़ दो दो किलो का एक ही खीरा होता है यहाँ, कभी रास्ते में दिखेगा तो मैं उसका वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो जब से गांव आए गांव की सब्जियां खा रहे हैं, आज मैंने सीताफल भी तोड़ा था, अभी आगे देखोगे आप इसी वीडियो में आगे। और हम थोड़ा वो जो घन वापस करने गए थे, तो उन्होंने हमको तोरी भी दी है, उनके बगीचे में बहुत सारी तोरी हो रही थी खेत में, तो अभी मेरे बैग में पड़ी है, फिर मैं घर जाके खोलूँगी, फिर दिखाऊँगी वीडियो में, बहुत सारी तोरियाँ दी हैं उन्होंने हमें। और गाँव की तोरी में ना अलग सी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी,
देखो आपको दिखाती हुआ था बरसाती नाला, ऊपर से बहुत तेज से पानी आया तो पूरा और ये सारा पानी बह के पूरी रोड को अपने साथ ले गया। ये देखो इस तरह की टूट फूट पहाड़ों में आम बात है। कल की वीडियो में जो दिखाई थी ना पार्किंग, वहाँ पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ से पैदल, अभी मैंने दिखाया था कितना लॉन्ग रूट है वो, तो वही पहाड़ी क्रॉस करके चल रहे अभी हम। और मौसम ना बहुत ठंडा सा हो रखा है और हमें चलते चलते पसीना आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई में बहुत पसीना आ गया। पहाड़ों में ना अलग अलग पहाड़ियों पे घर गांव बसे होते हैं दूर दूर, और रात को ये बहुत ही सुंदर व्यू लगता है क्योंकि लाइट जलती है तो ऐसे लगता है कि तारे टिमटिम आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई चढ़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ियों पे कैसे छोटे छोटे गाँव। और अब तो सरकार ने ना हर गाँव को सड़क से जोड़ दिया है, लगभग ज़्यादातर गाँव में सड़कें पहुँच गई हैं, और जहाँ नहीं पहुँची वहाँ भी उनका निर्माण चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड की कटाई हो रही है। देखो हम वहाँ से ऊपर आ गए, इतना अभी नीचे से आए थे यहाँ तक ऐसे चल के इतना ऊपर आ गए। अब देखो एक गांव और दूर आ गया, वो देखो वो दूर गांव बसे हुए पहाड़ियों पे, बीच में एक छोटी पहाड़ी है, फिर इधर वाली पहाड़ी पे हम लोग, ये इस पहाड़ी पे हम हैं। और इन 10 दिनों में ना मैंने आपको सारा पहाड़ घुमा दिया है, हमारे गांव के आसपास के जितने भी इलाके, अपनी वीडियो में मैंने आप लोगों को सब दिखा दिया है। और जब कभी आप लोग उत्तराखंड घूमने आओगे तो आपको उत्तराखंड के पहाड़ और गांव ना जाने पहचाने से लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो फ्रेंड अभी थोड़ा सा और रह गया, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय फ्रेंड, स्टे ब्लेस्ड। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय फ्रेंड्स।